सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी मौके पर हम बनाने जा रहे हैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर राम मंदिर। ये उसी मंदिर की रेप्लिका है जो कि यूपी में बनने वाला है। वैसे यूट्यूब के अंदर ऐसे ढेर सारे वीडियोज पड़ी हुए है राम मंदिर को माइनक्राफ्ट के अंदर बनाने के, लेकिन हम लोग बनाने जा रहे हैं इन सबसे भी बड़ा डिटेल्ड राम मंदिर, जिसे कि हम लोगों ने ओरिजिनल राम मंदिर के 3D मॉडल से बनाया है। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग है 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राम मंदिर को बनाने से पहले हम लोग को दो चीजों का खास ध्यान रखना है, जो कि सबसे पहला है राम मंदिर को बनाने के लिए जगह, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बड़ा मंदिर है। और दूसरी चीज, इसे बनाने के लिए लगने वाला ढेर सारा सामान, जिसे हम लोगों को अभी कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम लोग अपनी जगह को ढूंढने के लिए, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना राम मंदिर। लेकिन उससे पहले सो जाते हैं, रात हो रही है ना, फटाफट से चलते हैं और जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। भाई मत मार यार, यार ये देखो ये गरुड वापस से पंगे करने लगा है, इसको मैं फोड़ दूंगा। अच्छा काम करने जा रहे हैं यार, शांति से चलो। और ये शेडर्स क्या अच्छे लग रहे हैं भाई, ओ भाई। तो बहुत देर घूमने के बाद हम लोग को एक मशरूम आइलैंड मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग बना सकते हैं और यहाँ पे मॉब्स स्पॉन नहीं होंगे। लेकिन ये मशरूम आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसके अंदर शायद से हमारा आधा मंदिर भी आ पाएगा। और उसके बाद भी हम लोग बहुत ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन हम लोग को नहीं मिलता। तो मैं जाता हूँ गूगल पे chunk.com पे, ऊपर सर्च करता हूँ प्लेन्स बायोम, और बहुत दूर हम लोग को मिलती है प्लेन्स बायोम। तो हम लोग इलाइट्रा से उड़ के फटाफट से वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये प्लेन्स बायोम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ जगह थी, जिसको हमें करना था प्लेन। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एरिया था, इसलिए हम लोग को ढेर सारे पिकैक्स लगने वाले थे। तो मैं यहाँ पर नेदर पोर्टल बना के जाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल के पास, जहाँ से मैं विलेजर से मेंडिंग और इफिशियंसी की बुक्स खरीदता हूँ, जिसे कि मैं नए टूल्स बना के उसके ऊपर लगा दूंगा। इसके वजह से हम लोगों को बार बार एक्सपी फार्म के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इतना इनफ एक्सपी नहीं है कि मैं सारे के सारे टूल्स को इंजॉइंट कर सकूं, तो इसीलिए मैं जाता हूँ अपने ओपी वाले गोल्ड फार्म के पास, जहाँ पे हम लोग को ढेर सारे एक्सपी मिलती है। तो वहाँ पे मैं सारे के सारे टूल्स को इंजॉइंट कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने जगह को प्लेन करने के लिए। अभी हमने बस ऊपर की डर्ट निकाली और हमारे इतने सारे शवल्स टूट गए और रूट के पास और भी ऐसे पड़े हैं। और अभी हम लोग को और भी डर्ट निकालनी पड़ सकती है फ्यूचर में, इसलिए मैंने सबसे पहले तो रिपेयर कर दूंगा और उसके बाद हम लोग को वापस से आना है इस पड़े से स्टोन के पहाड़ को फोड़ने के लिए, जो कि पिकैक्स से ही करेंगे, TNT में उतना मजा नहीं है। सो लेट्स गो।
तो फाइनली हमारा एरिया प्लेन हो चुका है, ये पूरा का पूरा पहाड़ उड़ चुका है। लेकिन अभी हम लोगों को एक और चीज़ करनी है, जो कि इस पूरे के पूरे जगह को हम लोगों को ग्रास से भर देना है, जिससे कि यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ जाएगा। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर जगह हम लोग मंदिर के अंदर ही जाने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करने में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हम मेहनत करके रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं एंड ये लग चुके हैं डर्ट। अभी हमारी जगह तो प्लेन हो चुकी है, तो अभी फटाफट से मंदिर को बनाना चालू करते हैं। बट वेट अ सेकेंड, हमने तो सामान कलेक्ट ही नहीं किया और उसके लिए हम लोग को ढेर सारा रेड स्टैम्प स्टोन चाहिए और उसी के साथ साथ ढेर सारा टेराकोटा भी चाहिए और कंक्रीट और ऑरेंज टेराकोटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं और टेराकोटा को माइन करके आते हैं। वैसे तो हम लोगों को टेराकोटा ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को चाहिए ढेर सारी रेड सैंड स्टोन और उसे माइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम बनाने वाले हैं सैंड डुप्लीकेटर, जिससे कि हम लोग सैंड को डुप्लीकेट करके रेड सैंड स्टोन बना देंगे और उसी के साथ साथ बनाएंगे ढेर सारा कॉन्क्रीट। तो अभी सैंड डुप्लीकेटर तो बन चुका है, बस यहाँ पे थोड़ी देर एएफके करना है, उसके बाद जाना है अपना राम मंदिर बनाने के लिए।